नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग मास्टर। मैं आपका भाई मुरली कुमावत। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें हम प्रेस का पत्ता कैसे चेंज करते हैं। ये हमारे पास है प्रेस और ये है पत्ता। तो हम इस प्रेस में ये पत्ता लगा के आपके दिखाते हैं। आप इसे आयरन भी बोल सकते हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। स्टेप बाई स्टेप तरीके से जानिए पत्ता कैसे चेंज करते हैं। चलो कर देते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो गाइस, मेरे ताजी जी का चाचा जी का चैनल है टेलर मास्टर, और आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय। सो गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक नए टॉपिक, नए वीडियो और नई सुबह के साथ। तो मैं मुरली कुमावत, आप जान ही गए होंगे शायद। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। तो हम ये मैंने प्रेस तो ले लिया है, और ये हमारी जो प्रेस है ये दो तरह की आती है। एक तो हमारे पास ये है जिसमें ये स्क्रू खोलना पड़ेगा, ये जो स्क्रू है इसके अंदर जो एक नट दिया हुआ है तो ये खोलना है। और दूसरी जो प्रेस है ये हमारी है, ये वाली। तो इसके ये चार नट होते हैं, दो इधर और दो इधर, तो इसको खोलना पड़ता है। फिलहाल हम इस प्रेस का पत्ता चेंज करने वाले हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम ये जो मैंने बताया था स्क्रू वो खोलेंगे, ये वाला। तो ये वाला खोलने के लिए या तो हमें 10-11 की चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर प्लास से ही हम काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लास से ही खुल जाएगा। तो इस साइड हम इसे खोलेंगे, खोल के ये जो है ये निकालेंगे बाहर। जगह कम है थोड़ा, हाथ नहीं जा रहा। ये देखिए, ये नट मैंने बाहर निकाली है और इसको निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो ये हमारे आगे दो जो नट है ये खोलना पड़ेगा, और इस पत्ती के नीचे पत्ता है। तो ये नट खोलने के लिए मैं प्लास का यूज़ करूँगा। इससे ये खोल लेंगे, थोड़ा यूज करके फिर हाथ से खोल देना बाहर। ये हमारा एक खुल गया, ये खुल गया दूसरा। तो हम ये घर पे ही कर सकते हैं, मैकेनिक के पास जाएंगे तो लगभग 150 रुपये वो हमसे ले लेगा, नहीं तो हम 20 रुपये में काम चल जाएगा, पत्ता 20 रुपये में आ जाएगा। तो ये हमारा अलग हो गया, ये खोल लिया। अब ये पुराना जो हमारा पत्ता है वो निकालेंगे, ये रख देंगे साइड में। ये फिर से पाना ले लेंगे, और ये जो नट है दो ये खोल लेना है। ये हमारा खोल के इसे रख देंगे साइड में। ये जो वाशर है ये भी निकाल लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर बहुत ही फायदेमंद है वीडियो, आप स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी प्रेस में करंट या और की भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये निकाल के रख लेंगे साइड में, ठीक है। ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है। अब ये हमारा आ गया पत्ता। तो इस पत्ते में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो ये हमारा शायद कहीं से टूटा हुआ है, तो इसमें प्रेस में आ रहा था करंट। अगर ये पत्ता जला हुआ होगा तो ये जो वायर ऐसे ऐसे दिए हुए हैं इसमें एक वायर कटा हुआ ज़रूर आपको मिलेगा। तो ये पत्ता फॉल्ट नहीं है, बट इसमें करंट आ रहा था, तो मैं इसको कर लेता हूँ चेंज। तो ये रख देते हैं साइड में। ये जो है हमारा नए वाला, तो हम लगाएंगे इसे, तो इसको फिलहाल रखते हैं। तो इसको रख दिया, और ये जो ये सीट है ये नीचे देना ज़रूरी होता है, नहीं तो प्रेस में करंट की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको साफ़ कर लेंगे थोड़ा। तो साफ़ करने के लिए मैंने ले लिया कपड़ा, तो आप इसे रेजमाल का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। मेरे पास अभी रेजमाल फ़िलहाल है नहीं। तो ये साफ़ हो गया, ये साफ़ कर दिया। अब ये जो पैकिंग थी ये वाली, ये पत्ता नहीं है, ये पैकिंग है, पत्ते का नीचे वाला हिस्सा है जो हमें करंट आने से बचाता है, ये यहाँ पे रख देंगे। और पीछे भी ये पैकिंग लगा देंगे थोड़ा, क्योंकि करंट की संभावना 0% हो जाए। एक और लगा देंगे, और ये अच्छे से रख के अब हम निकालेंगे पत्ता। ये हमारा नया पत्ता आ गया। तो ये रखना है ऊपर की साइड, ये जो गत्ता सा दिया हुआ है थोड़ा मोटा, ये रखना है ऊपर की साइड, और ये वाला रखना है नीचे की साइड। तो हम इस तरह से ये इस पे रख देंगे, ये देखिए एकदम सेंटर में रख देना है।
और पैकिंग हमारी अच्छे से थी पहले से। तो ये जो है पत्तियाँ सी, इसको खड़ा कर देंगे और ये हमारा है इसको थोड़ा कर लेंगे साफ। तो इसे मैं कर ले रहा हूँ साफ, ये हमारा साफ हो गया। अब क्या करना है, इस तरह से रखना है, ये आगे की साइड रख के और ये अच्छे से रख देना है। तो ये हमारा हो गया। अब ये वाशर जो है ये रख लगाएंगे, इस तरह से इस पे रख देंगे अच्छे से, फिटिंग अच्छे से होनी चाहिए। ये पैकिंग जो है, ये जो पहले मैंने लगाया था, ये अच्छे से लगाया हुआ होना चाहिए, नहीं तो प्रेस में करंट की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैकेनिक के पास हम क्यों जाएं, एक टाइम बर्बाद होता है और एक पैसे भी देने पड़ते हैं। तो वैसे मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, बट ये भी मैं कर लेता हूँ, ऐसे काम के लिए किसी के पास मैं जाता नहीं हूँ। तो ये टाइट कर लेंगे, ये जो हमारे नट है अच्छे से टाइट कर लेंगे, ज़्यादा भी ताकत से नहीं करना है बट लूज भी नहीं रखना है, मीडियम कस लेना है इसको। तो ये अच्छे से कस लेंगे, मैं आपको गर्म करके भी दिखाऊंगा, आप इसकी बिल्कुल ना करें। तो ये हमारा कस के हो गया रेडी। अब क्या करना है, अब हमारा ये जो पार्ट है ये इसके ऊपर रख देंगे। ये वायर भी हमारा काट लिया था मैंने, क्योंकि ये ख़राब हो चुकी थी इसलिए, तो ये वायर भी निकालूंगा मैं, ये जो है इसके जोड़ दूंगा और ये सीधा इस पे रख देंगे। अभी फ़िलहाल रखना नहीं है, ये कनेक्शन तो हमने किया ही नहीं है। तो ये इस वाली साइड है, इस टाइप से ये रखेंगे, ठीक है। और इसमें होल है, ये देखिए ये होल है, शायद आपको दिख पा रहा होगा। तो ये होल में ये डाल देंगे, ये थोड़ा हार्ड होगा बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होल है ये बिल्कुल फिट आता है, तो आपको लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये एक मैंने लगा लिया, ये अच्छे से टाइट कर लेंगे प्लास से। पेचकस भी पाना भी है मेरे पास इसका, बट हम प्लास से कर रहे हैं, हर किसी के पास पाना नहीं होता ना, इसलिए आपको प्लास से करके दिखा रहा हूँ मैं। ये अच्छे से टाइट कर लेना है, नहीं तो आपका ये सही नहीं हो पाएगा। ये एक हो गया, एक का कनेक्शन हो गया, दूसरे का भी इसी तरह कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों दोनों का कनेक्शन हो गया, ये देखिए आप, इस तरह से इस दोनों का कनेक्शन कर लेना है। अब हम रखेंगे, एक ध्यान रखना है, ये पीछे से देख लेना है, ये जो वायर है ये इस पत्ते के टच नहीं होना चाहिए, पत्तियां हैं ये पत्ते के टच नहीं हो, इस तरह आसानी से देख के, ये देखिए ये हमारा टच नहीं हो रहा है, इसको देख लेना है एक बार फिर से, ये देखिए ये टच नहीं हो रहा है। तो इसका ध्यान विशेष रखना है, अगर टच हो जाएगा तो फिर करंट आएगा, 100% करंट आएगा। तो अब इसको हम, ये वाला है तो इसका वाशर था वो हमारा गुम हो गया शायद, तो हम एक बार ऐसे ही कस लेंगे। अगर उस पर इसका भी पता चेंज करने का वीडियो आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, आप कमेंट में एक मैसेज छोड़ देना प्यारा सा। तो ये हम कर लेंगे टाइट। तो फाइनली दोस्तों हमारा पत्ता एकदम रेडी हो चुका है, इसके अंदर डाल दिया मैंने। तो अब मैं वायर का कनेक्शन करके आपको गर्म करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट फायदेमंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों ये मैंने कनेक्शन कर लिया अच्छे से, आप देख सकते हैं ये CTS तार लगा लिया है। तो अब इसको लगाएंगे हम प्लग में। तो दोस्तों मैंने प्लग पे लगा दिया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो ये देखिए ये वायर हमारा CTS जो बीच वाला तार है वो प्रेस का है, वो मैंने लगा दिया है। अब ये हो रही है गर्म, तब तक हम करते हैं वेट। तो दोस्तों देखिए इसमें अभी धुआं भी निकल रहा है, जो हम नया पत्ता डालेंगे तो इसमें धुआं निकलेगा, तो ये आप आसानी से देख पा रहे हैं।
तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये बदबू भी मारेगी तो इस धुएं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक बार ये निकलेगा और बदबू भी बहुत गंदी मारेगा। तो करते हैं वेट। तो ये हमारी गर्म हो रही है, ये देखिए मैं हाथ भी लगा रहा हूँ, कोई भी करंट नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ एक बार, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए तो गर्म हो रही है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर एंड प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो, नया टॉपिक और नई सुबह के साथ मैं आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।